खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। हैदराबाद में वेटरनरी डॉक्टर से हुई हैवानियत को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, लेकिन तेलंगाना और हैदराबाद के नेताओं ने तो हद कर रखी है। संवेदनहीनता की हद पार करने की जैसे होड़ मची हुई है। सीएम पीड़ित के घर नहीं जाते, लेकिन शादी समारोह में जाने का मौका मिल जाता है। उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी संवेदना जताने घर जाते हैं, फिर आकर पब्लिसिटी के लिए पीड़ित परिवार की पहचान जाहिर करने के लिए बाकायदा फोटो पोस्ट कर देते हैं। तेलंगाना के गृहमंत्री कहते हैं कि लड़की वालों ने पुलिस को फोन उन्हें करना चाहिए था। गुस्सा हाई है, लेकिन नेताओं को राजनीति से फुर्सत मिले तब तो बेटियों के लिए कुछ हो। परिवार का दर्द तुम क्या जानो नेता लोग। हैदराबाद में वेटनरी डॉक्टर को रेप के बाद जलाए जाने के बाद से पूरा देश गुस्से में है। लोग तो सड़कों पर उतरे हुए हैं, पर इस बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब क्या कर रहे हैं? सीएम चंद्रशेखर राव इसकी परवाह किए बिना शादी अटेंड करने में व्यस्त थे। चंद्रशेखर राव अपनी पार्टी की विधायक की बेटी की शादी में पहुंचे और तस्वीरें भी खिंचवाई। इन तस्वीरों को देखते जाइए और समझिए, ये वो सीएम है जो घटनास्थल पर नहीं गए, जो पीड़ित परिवार से नहीं मिले। ऐसे में उनकी संवेदनशीलता पर सवाल तो उठ नहीं है। ये वही सीएम है जिनके गृह मंत्री के मोहम्मद महमूद खान ने सवाल उठाया था कि पीड़ित ने पुलिस की जगह बहन को फोन क्यों किया। विवाद बढ़ने पर उन्हें सफाई देनी पड़ी। कभी अत्याचार हुआ ऐसा दिखा कि आज मेरी बेटी के साथ हुआ, मुझे यकीनन बहुत दुख है। इसके लिए आगे प्रीकॉशन लेंगे नहीं होने के लिए। और एक बात यह कि मैं तमाम हमारे कमिश्नर साहब से कहा, बहुत लोगों में अवेयरनेस भी तक की, जब भी जरूरत पड़े इमीडिएट पुलिस को बुलाने के लिए 100 कॉल करेंगे तो पुलिस जितने 5 मिनट में पुलिस पहुंच सकती है। जब मुख्यमंत्री बेपरवाह हो तो मंत्रियों की क्या बिसात। तेलंगाना के गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी हैदराबाद में पीड़िता के घर गए और फिर ट्वीट में नंबर बनाने के चक्कर में पीड़िता की पहचान जाहिर कर दी। ऐसी संवेदनहीन सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। विपक्ष इस मुद्दे को लपकने के लिए तैयार बैठा है। आज बीजेपी के नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान हैदराबाद में पीड़िता के घर सांत्वना देने पहुंचे। क्योंकि ऐसा माहौल है कि ज्यादा परिवार कुछ कह नहीं सकता। मैं बाद में भी इनके टच में रहूंगा, बातचीत करूंगा, क्योंकि और बहुत लोग हैं यहाँ जो मेरे साथी हैं वेटनेरियंस, परिवार के साथ भी वही लोग थे। तो न्याय मिलेगा और जल्दी मिलेगा, यही एश्योरेंस मैं परिवार को देकर आया हूँ। वहीं लोगों ने आज कांग्रेस लोकसभा सांसद रेवानाथ रेड्डी को पीड़िता के घर घुसने नहीं दिया। हैदराबाद में लोग तो सड़कों पर उतरे हुए हैं, वही लोगों के गुस्से को लगातार महिलाओं के प्रति अत्याचार की खबरें और बढ़ा रही हैं। सवाल सरकार से पूछा जा रहा है कि आखिर कब सुरक्षित होंगी महिलाएं और कब संवेदनशील बनेगी चंद्रशेखर सरकार। और हैदराबाद की हैवानियत पर आगे भी हम आपको दिखाएंगे पूरी पड़ताल। हैदराबाद कांड की चश्मदीद लाल स्कूटी। हैवानियत की चश्मदीद लाल स्कूटी, रात 9:30 बजे